सर्वदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी, योग मार्तंड मुल्केश भगवान और हम सभी के प्राणाधार सतरूप स्वामी देवीदयाल जी, भगवान जी के चरण कमलों में हम सभी भक्तों का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हे प्रभु, आप जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से ही ये सत्संग चल रहा है और सभी भक्तों को इस सत्संग का अपूर्व आनंद रहा है। भक्तों के विकास निकल निकल के बाहर आ रहे हैं और भगत की जो कलाएं हैं, उनकी जो विवेक है, वो भी हम प्रत्यक्ष दिख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। सभी भक्तजन इतने भाव विभोर होकर प्रभु जी के चरणों में भजन गाते हैं, अपने अनुभूतियां बोलते हैं। वाकई इस सत्संग का हम सभी भक्तों को बहुत ज्यादा लाभ मिल रहा है। इस सत्संग से जैसे हर पल दृष्टि केवल प्रभु जी में लगी रहती है, उनके दिव्य स्वरूप में, उनकी दिव्य गाथाओं में और उनकी दिव्य लीलाओं में, उनके दिव्य ज्ञान में, जो प्रभु जी हमें इतने अनमोल ज्ञान दे गए, उनमें वृत लगी रहती है। और सारा मिलाकर कुल ये बात है कि हम सुबह से लेकर रात को विश्राम करने तक बहुत ही आनंद में और बहुत शांति में रहते हैं, और ये सब गुरुदेव जी की अपार कृपा करुणा आशीर्वाद का ही फल है। जीवन में दो रास्ते हैं, एक योगवाद है, एक भोगवाद है। महाराज फरमाते हैं, मनुष्य है जो मानव जीवन है, वो चौराहे में खड़ा है, तो चौराहे में खड़ा होकर उसे दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं, एक योगवाद, एक भोगवाद। उसने वहां निश्चय करना होता है कि मैंने कौन सा रास्ता चुनना है। भोगवाद का अंत विनाश और योगवाद का अंत अमर तत्व को प्राप्त करना। इसीलिए इस चौराहे में सदगुरु भगवान विराजमान है और जीव को योग मार्ग अपनाने के लिए सदगुरु भगवान प्रेरणा देते हैं और अपनी कृपा करुणा आशीर्वाद से जीव को इस मार्ग ले जाकर जीव का कल्याण करते हैं। ऐसे गुरुदेव को बारंबार रोम रोम श्वास श्वास प्रणाम स्वीकार हो। और आइए गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, आज के सत्संग में आप जी विराजमान तो ही हैं, आप विराजमान होकर सत्संग में जो ज्ञान दे आप जी ही दे, और आप जी ऐसी कृपा करें कि आप जी के दिए हुए इन ज्ञान को हम अपने स्थल पर उतार कर उसी अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। राधा गुरुदेव जी के जीवन के अलौकिक घटनाएं बार बार मनन करके अपनी आत्मा को अपूर्व आनंद से भरपूर कर दे, क्योंकि भगवान का दूसरा नाम भी आत्म आनंद। ये आनंद सदा के लिए है, ये आनंद चित्त में स्थित है, इसीलिए इस आनंद को सचित आनंद आ गया। और सचित आनंद जो सत है, हमेशा है, चित्त जो चित्त में है, आनंद इसी को भगवान कहा गया, तभी भगवान का नाम सचित आनंद रखा गया। गुरु और भगवान एक ही शक्ति के दो रूप है, भगवान निराकार रूप है, गुरु भगवान के साकार रूप है। गुरु के अंदर ही परम परमेश्वर उनके आत्मा में स्थित है और गुरु दया से प्रेरित होकर शिष्य को ज्ञान देते हैं, ज्ञान देते हैं और शिष्य का कल्याण करते हैं। पिछले कई दिनों से योग के साक्षात्कार पुस्तक में जो राधा गुरुदेव जी के जीवन की अलौकिक घटनाएं रही, उनके पर सत्संग चल रहा था। जो अंतिम घटना
वो ये था जो अंतिम पाठ था, उस पाठ का नाम ही योग का साक्षात्कार। इस पाठ में योग योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी मुनिकेश्वर भगवान को आशीर्वाद देते हैं और उन्हें आज्ञा देते हैं कि बेटा बहुत वर्ष तुमने मूंदी आके योग की अति उच्चतम अवस्था तुरिया तुरिया अवस्था को प्राप्त की, जो देव दुर्लभ अवस्था है, और इस अवस्था को प्राप्त करके तुमने जनता जनार्दन का अथाह सेवा करी, उनका कल्याण किया। अब मूंदी आंखों को खोलो, क्योंकि प्रभु जी ने संकल्प ले लिया था हिमालय में दिव्य शरीर के साथ अपने गुरुदेव महादेव बाबा के चरणों में जाने का, और जाने के पहले उन्होंने मुनिकेश्वर भगवान को ध्यान से उत्थान कराया और आशीर्वाद दिया कि बेटा अब आंखें खोलो, आपने हमारी संस्कारी आत्माओं का कल्याण करना है। प्रभु रामलाल जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद मुनिकेश्वर भगवान की ध्यान अवस्था में परिवर्तन हुआ और उत्थान अवस्था में आकर अपने गुरुदेव महाप्रभु रामलाल जी के आज्ञा अनुसार, कृपा आशीर्वाद के अनुसार जनता जनार्दन अनेक अनेक हजारों नर नारियों को का वो कल्याण करने लगे और उन्हें हजारों आकांक्षी नर नारियों को मुनिकेश्वर भगवान ने दिव्य जीवन अवस्था प्रदान की। और प्रभु रामलाल जी से आशीर्वाद पाकर मुनिकेश्वर भगवान ने सबसे पहले अमृतसर में योग का प्रचार प्रसार करा, फिर लाहौर, ऋषिकेश, चांदपुर, अनेक अनेक स्थानों पर उन्होंने योग का प्रचार प्रसार किया। और उन्हीं दिनों में मद्रास से 14-15 विकासु भगत समाज दर्शनों के लिए मुनिकेश्वर भगवान जी के चरण में आए और उन्होंने मुनिकेश्वर भगवान की इतनी दिव्य अलौकिक अवस्था के बारे में जानकर उनसे दीक्षा प्राप्त की। दीक्षा प्राप्त करते उन्हें अपने अपने ईश के दर्शन हुए और मुनिकेश्वर भगवान की इतनी दिव्य अलौकिक अनुभूतियां तो उन्होंने प्राप्त करी, उनके चरणों में मद्रास में जाकर वहां के भक्तों को बताया और पूरे मद्रास के भगत समाज आंध्रा जो विजयवाड़ा उस समय मद्रास प्रांत के साथ एक था और दक्षिण भारत के अनेक अनेक जिज्ञासु समाज मुनिकेश्वर भगवान के दर्शनों के लिए आकुल व्याकुल हो गए। भक्तों की प्रार्थना पर मुनिकेश्वर भगवान ने संकल्प किया मद्रास जाने का और सबसे पहले 15 दिसंबर सन 1945 में हमारे गुरुदेव सतगुरु स्वामी देवीलाल महाराज जी को साथ लेकर, अन्य कुछ भक्तों को साथ लेकर मुनिकेश्वर भगवान मद्रास के चले। वहां अनेक अनेक नर नारियों को योग की उच्चतम अवस्था दान प्रदान की। अगर समाज का योग विज्ञान के द्वारा कल्याण किया। उसके बाद 21 दिसंबर सन 1945 को मुनिकेश्वर भगवान राम नाम क्षेत्र में, जो बाकी लोग अष्ट कोटि राम नाम महोत्सव करते हैं, उस महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया और मुनिकेश्वर भगवान ने वहां उन्होंने प्रधार वहां पधारे और 40,000 उपस्थित नर नारियों को मुनिकेश्वर भगवान ने योग का उपदेश दिया। उपदेश देने के बाद सभी को आज्ञा दी कि अपने अपने इष्ट के ध्यान बैठ जाओ और जैसे ही मुनिकेश्वर भगवान की आज्ञा आशीर्वाद प्राप्त करके सभी नर नारी ध्यान में बैठे, उन्होंने क्या देखा, ध्यान में किसी की तो जादुई वृत्ति लग गई और किसी की मुद्दी आंखें, कोई को आरती करने लगा, किसी की आंखों से अथाह प्रेम आंसू बहने लगे और किसी का भस्त्रिका प्राणायाम सिद्ध हो गया,
कईयों का केटी भी सिद्ध हो गई। इस प्रकार कई धातु वृत्ति में मेढक की तरह मस्ती में कूदने लगे। इस प्रकार एक बहुत एक सुंदर ईश्वरीय वातावरण बन गया और भक्तों को बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ और अनेक अनेक आत्माएं ईश्वरीय प्रेम में रोमांचित हो गई। तो यहाँ तक हमारे दिलदार महाराज जी ने योग के साक्षात्कार नामक पुस्तक को यहीं तक प्रकाशित करा। उसके बाद महाराज जी ने अपनी कृपा करुणा से और प्रभु जी के आशीर्वाद से मद्रास यात्रा, जो मद्रास यात्रा का पूरा वर्णन उन्होंने मद्रास यात्रा नामक पुस्तक में प्रकाशित किया। आज के सत्संग में हम इसी पुस्तक के पर जो महाराज जी ने एक अलौकिक दिव्य बातें वर्णन किया उसी के पर आज हम सत्संग करने जा रहे हैं। मद्रास यात्रा आरंभ होता है मंगलाचरण। देवीधर महाराज जी ने अपने गुरुदेव जी के चरणों में प्रणाम करते हुए एक प्रार्थना करी है। ज्ञान मूलम गौर मूर्ति पूजा मूलम ग्रोह पदम मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम मोक्ष मूलम गुरोह कृपा। जब इसका भाव ये है कि ध्यान हमें केवल सतगुरु की मूर्ति का ही करना चाहिए, क्योंकि सतगुरु साकार रूप में साक्षात भगवान है। भगवान की सारी शक्तियां सतगुरु के अंदर विद्यमान होती हैं। इसलिए ध्यान, जिसका ध्यान करोगे तुम्हारी वृत्तियां वैसी बन जाएगी, तुम्हारा स्वभाव वैसा बन जाएगा, और जिसका ध्यान करोगे उन्हीं की शक्तियां तुम्हें प्राप्त होंगी। इसलिए कहा गया ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम। जिनके चरणों की पूजा करोगे आपका अहंकार का नाश हो जाएगा। जीव और ब्रह्म के बीच में अहंकार ही बहुत बड़ी दीवार है, जिस दीवार के कारण जीव ब्रह्म से नहीं मिल पाता। तो अहंकार की दीवार का जो विनाश गुरु चरणों की पूजा करती है। जब हम गुरु के चरण कमलों की पूजा करते हैं तो हमारा अहंकार चला जाता है। अहंकार के जाते ही गुरु का आशीर्वाद मिलता है और जीव ब्रह्म के साथ अभेद हो जाता है, यानी कि जीव को ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। इसलिए कहा गया पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। गुरु की जो आज्ञा है उसको हमें एक मंत्र के रूप में लेना चाहिए। गुरु जो ज्ञान देते हैं, जो आज्ञा देते हैं शिष्य के लिए, वही ज्ञान वही आज्ञा एक मंत्र के रूप में। गुरु गीता में भगवान शंकर ने माँ पार्वती को बताया, गुरु आज्ञा पालन करे अन्य भावना त्याग, श्री गुरु चरण सरोज में अलिसम हो अनुराग। क्यों? क्योंकि मुख में गुरु के ब्रह्म है। गुरु की दया महान, दया करे गुरु यदि मिल जाए भगवान। गुरु जब दया करते हैं, जैसे रामलाल प्रभु जी ने मुकेश भगवान के ऊपर अथाह दया करी और मुकेश भगवान को यानी कि शिष्य को भगवान बना दिया, इसी प्रकार मुकेश भगवान ने अपने परम शिष्य देवीदास भगवान के ऊपर कृपा करी और उन्हें भगवान बना दिया। आज हमें महाराज जी हर पद भगवान नजर आते हैं, क्योंकि हमारी भावना में महाराज विराजमान है, हमारे यादों में महाराज विराजमान, हमारे मानस पटल में केवल और केवल महाराज जी का स्वरूप है। कुछ भी कार्य करते हैं महाराज का नाम लेके करते हैं, कहीं भी सहारा मांगते हैं तो महाराज जी का सहारा मांगते हैं, और प्रार्थना करते हैं तो महाराज के चरण में प्रार्थना करते हैं। तो इसीलिए कहा है कि मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु की वाणी को गुरु के ज्ञान को शिष्य को चाहिए
कि मंत्र के रूप से माने और उस ज्ञान और उस आदेश के ऊपर शिष्य चले। अगर ऐसा शिष्य बन जाता है तब गुरु के ऊपर गुरु की कृपा शिष्य को बरसती है और शिष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तभी कहा गया मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जब हम गुरु की मूर्ति का ध्यान करेंगे, गुरु के चरणों का पूजा करेंगे और गुरु की आज्ञा उनकी वाणी को मंत्र रूप से मानेंगे, तब गुरु की ऐसी कृपा बरसती है जिस कृपा के फलस्वरूप शिष्य को मोक्ष पद, जो परम पद, जो मनुष्य जीवन का एकमात्र देह है, मोक्ष को प्राप्त करना, वो पद की प्राप्ति होती है। अब आगे महाराज जी बद्रास यात्रा लिखने से पहले ये मंगलाचरण गाने के बाद एक दोहा रूप में लिखते हैं, रामलाल प्रभु जी को प्रणाम करते हैं। क्योंकि तो रामलाल प्रभु जी महाराज के दादा गुरुदेव और मुल्केश्वर भगवान उनके गुरुदेव, रामलाल प्रभु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए महाराज जी दोहा के रूप में क्या गाते हैं, रामलाल सतगुरु परम योगेश्वर प्रभु रूप। रामलाल प्रभु जी जो सदगुरु रूप है वो योगेश्वर भगवान का रूप है, उनका दिव्य पुरुष सदगुण सदन अच्युत पवन भू। रामलाल प्रभु जी एक दिव्य पुरुष है जो सदगुणों से संपन्न है और वो अत्यंत पावन है और वो योगियों में राजा है, भूप है योगियों में। आगे देवीदास महाराज जी रामलाल प्रभु जी के चरणों में विनय प्रार्थना करते हैं, प्रभु राम लाल दया निधे हे देवन देव जगत पते, हे ब्रह्म रूप कृपालु वर संकट निवारण हे हरे, तेरी शरण में आए फिर कितना ही कोई दीन हो, वह संपदा है कौन जो उसको प्रभु ने दीन हो, होकर दुखी संसार में जो तव चरण रज में मिला, क्या मिला सब कुछ मिला उसको ना फिर क्या क्या मिला, पावन अपावन ठोर का अच्छा बुरा खोटा खरा, पारस परस मिल जाए तो लोहा बने सोना खरा। देवदास महाराज जी रामलाल प्रभु जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, हे रामलाल प्रभु आप दया निधे हैं, आप देवन के देव हैं, आप जगत के पति हैं, आप ब्रह्म रूप हैं, आप परम कृपालु है, आप संकट निवारक हैं, आपके शरण में जो आ जाता है वो कितना ही कोई दीन हो, वह आपके चरणों में आकर सभी संपदा को पा लेता है। जो संसार से संसार सागर से दुखी होकर जो आपके चरण कमलों में आ जाता है, आपके चरणों कमलों से उसको सब कुछ मिलता है, ऐसी कोई चीज नहीं जो उसको नहीं मिल रहा है। आपके पावन चरणों में आकर अच्छा बुरा खोटा खोटा सब पावन हो जाते हैं, सबको सब कुछ प्राप्त हो जाती है और आपके चरण पारस रूप है जिनके स्पर्श से आने वाला लोहा रूपी शीश सोना बन जाता है। पावन अपमन ठोर का अच्छा बुरा खोटा करा, पारस परस मिल जाए तो लोहा बने सोना खरा। आपके पारस रूपी चरण को जो शीश रूपी लोहा स्पर्श कर जाता है, आप
उस शिष्य रूपी लोहे को सोना बना देते। आगे है, शुभ कर्म करता तो स्वयं तर जाए अपने कर्म से। शुभ कर्म करता जो स्वयं तर जाए अपने कर्म से, दानी तरे निज दान से, धर्मात्मा निज धर्म से। आगे महाराज जी फरमाते हैं कि संसार में जो शुभ कर्म करता है वो शुभ कर्मों से तर जाता है, और जो दान देता है वो दान देने वाले कर्म से तर जाता है, और जो धर्मात्मा होता है वो निज धर्म से तर जाता है। दानी दान से तर जाता है, धर्मात्मा धर्म से तर जाता है, और जो शुभ कर्म करता है वो अपने कर्मों से तर जाता है। आगे महाराज जी क्या फरमाते हैं, जिसको ना कुछ आधार हो, कुल द्रव्य विद्या बल ना हो, यानी कि जो ना धानी है ना शुभ कर्म करने वाला है और ना धर्मात्मा है, ना जिसमें कोई बल है ना जिसमें कोई गुण है, तेरे बिना वे कल सकल कल्पांत में भी कल ना हो। आपके बिना उसके लिए कल्पांत में भी कल है ही नहीं, यानी कि आपके बिना उसको कुछ नहीं है। उस दीन के बंधु हो तुम, बलहीन की तुम शक्ति हो। ऐसे दीन शिष्य के तुम बंधु हो, और जो बलहीन है जिसके अंदर कुछ नहीं है उसे तुम शक्ति। कहना है भजन है, एरी तो मैंने सुनरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनरी मैंने निर्बल के बलराम। निर्बल के बल कौन है? राम। राम कौन है? सद्गुरु भगवान। निर्धन के धन सद्गुरु भगवान। आगे महाराज लिखते हैं, और शरण शरण भव भय हरण, तुम ज्ञान कर्म सुभक्ति हो। जिनके इनको कोई सहारा नहीं उनके तुम शरण हो, और शरण को शरण देने वाले हो। तुम ज्ञान कर्म सुभक्ति हो, तुम ज्ञान देने वाले हो, तुम शुभ कर्म करवाने वाले हो, और तुम अपने शरण में आने वालों को भक्ति देने वाले हो। हे नाथ, चरण रज में बेजर मुलक का वास हो। कहते आपके चरणों में दास मुलक का वास हो, श्रद्धा में भक्ति से प्रभु तब नाम में विश्वास हो। मेरे मन में ऐसी श्रद्धा दो, ऐसी भक्ति दो कि आपके नाम में मुझे अथाह विश्वास है। इतना कि राम के नाम लेते जाओ और सागर से तर जाओगे। राम का नाम कि मुझे आपके नाम में इतना विश्वास हो, इतना श्रद्धा हो कि मुझको ऐसी भक्ति आप दो। प्रभु जी महाराज जी के मुखराज के राम प्रभु जी चरणों के ऐसी विनती करें। आगे दोहा, आगे महाराज जी हमारे मुल्केश्वर भगवान के बारे में क्या लिखते हैं दोहा में, मित्रों इस कलिकाल के काटन को जंजाल। हम भक्तों को संबोधन कर रहे हैं, मित्रों इस कलिकाल के काटन को जंजाल, पार ब्रह्म आते सदा हो कर दिव्या। इतना युग युग में अवतार ले दुख हरण भगवान, जो जिस युग में प्रकट हो वही करे कल्याण। श्री राम लाल निकाल में लेकर कला आनंद, जग तारण तारण प्रगट भे भगवान। जग को तारने के लिए भगवान ने प्रगट लिया। किस नाम से?
राम लगे नाम साक्षात परम भगवान है। आगे महाराज लिखते हैं कि इस कली काल के जंजाल को काटने के लिए पारब्रह्म परमेश्वर दीनदयाल होकर आते हैं, सदा आते हैं, आते रहे। आगे लिखते हैं महाराज जी, गुरुदित्ता मल जी हुए पितामह धीमान, दादाजी कौन हुए? दादाजी हुए गुरुदित्ता मल, राजर्षि के रूप में रूप थे आभा बीच महान। कुलकेश्वर भगवान के दादाजी गुरुदित्ता मल राजाओं की तरह थे, राजाओं की तरह वो राजपाट करते थे और उनकी बहुत आभा थी, बहुत प्रकाश था उनके अंदर, बहुत दिव्यता थी। अर्जुन सम विख्यात है, देवीदास उनके पुत्र हुए, पुत्र सुयोग सुशील, अर्जुन सम विख्यात है, पपी उनसे भील, कांपे उनसे भील कि गुरुदित्ता मल दादाजी हुए नलकेश्वर भगवान के और उनके पुत्र कौन थे? देवीदास। और देवीदास जी इतने पराक्रमी थे और कि भाई लोग भी उनके बल से कांपते थे। उनके ग्रह प्रगटे प्रभु मुलकराज श्रीमान, देवीदास जी के घर में उन्होंने अवतार लिया, हमारे मुलकेश्वर भगवान दादा गुरुदेव जी ने देवीदास जी के घर में अवतार लिया। गुरु अनुकंपा का मिला इनको पूरन दान, मुलकेश्वर भगवान को गुरु की पूरन कृपा दृष्टि दया पूरन मिली। मुलकेश्वर भगवान ने गुरु की कृपा करुणा पूर्ण रूप से प्राप्त किया। योगेश्वर श्री मूलक जी चिरानंद के रूप योगदान करते सदा बेजर के भूप। मुलकेश्वर भगवान चिदानंद रूप भगवान के रूप है और बेजर दास लिखते हैं कि ऐसे मुलकेश्वर भगवान बेजर पे सदा दया करते हैं। जो भूपों के भूप राजाओं के राजा है। आगे यात्रा विवरण है, यात्रा विवरण थोड़ा सा आरंभ करते हैं कि मुलकेश्वर भगवान का मद्रास कैसे जाना हुआ वो महाराज जी लिखते हैं। भक्त जो थे मद्रास के पत्र लिखी हर बार, कृपानाथ मद्रास में आकर दो दीदार। मद्रास के भक्तों ने मुकेश्वर भगवान को बार बार पत्र लिखा कि हे कृपानाथ आप जी मद्रास में आकर हमें दर्शन देकर कृतार्थ करें। दया सिंधु गुरुवर परम हो रहे हैं हम दीन, दर्शन की इच्छा हमें जिमी जल चाहेंगे। जैसे जल के बिना मीन तरसी है, इस प्रकार प्रभु आपके दर्शनों के बिना हम तड़प रहे हैं, आप जी आकर हम दीनों को दर्शन दें। गुरुदेव आपके दर्शन को चाहते हैं, शीश झुकाते हैं, शीश आप हो, शशि आप हो, चकोरे हम चंद्रिका को ललचाते हैं। इतनी सुंदर उपाय की है गुरुदेव, हम आपके दर्शन को ऐसे चाहते हैं जैसे आप चंद्रमा हो और हम चकोर हैं, और चकोर जैसे चंद्रमा की रोशनी को रोशनी में आनंद भोर हो जाता है, ये प्रभु ऐसे ही हम आपके दिव्य प्रकाश के लाल लालसा में हम तड़प रहे, हम ऐसे ही आपके दिव्य प्रकाश रूप दर्शन को तरस रहे हैं। श्री मुलक राज इस मुलक को भी अनुकंपा से सरदार करो, हे दीन दयाल दया सागर उपकार करो, उपकार करो। प्रार्थना करते मुलक राज प्रभु जी को अपनी कृपा अनुकंपा से मुलक
वरात नाम को भी का भी आप जी उपकार करो। हे दीनदयाल, हे प्रभु, आप हमें हम पर उपकार करो, उपकार करो। हे राम रूप, हम बिल्ली सम सदा के बेर खिलाएंगे। हे कृष्ण रूप, हम विप्र के सम तंदूर सेवा में लाएंगे। कितना भाव भक्तों ने लिखा कि हे प्रभु, राम के रूप में हम बिल्ली की तरह श्रद्धा से भरपूर होकर आप जी को बीर खिलाएंगे। और हे प्रभु, कृष्ण रूप में हम जैसे विप्र ने, ब्राह्मण ने कृष्ण भगवान को तंदूर खिलाया, हम तंदूर आपकी सेवा में लाएंगे। प्रभु रामलाल जी की दया का हम सब दर्शन करना चाहते हैं। श्री मूलक राज की नैया पर चढ़ भक्को करना चाहते हैं। हे प्रभु, आपके रूप में हम रामलाल प्रभु जी की दया को चाहते हैं आपके अंदर से। और मूलक राज जी की रूप में नैया पे चढ़कर और भक्सागर करना चाहते हैं। राम रूप में तो हम आपकी रामलाल प्रभु जी की आपके अंदर से दया चाहते हैं, पर आप जी के रूप में, आप जी के शरण में आकर हम भवसागर की नैया करना चाहते हैं। तीज आंखों से कब देखेंगे भवसागर के उद्धारक को, भवतारक सत्य प्रकाश प्रचारक को, और ताप त्रिपात त्रिताप मुबारक को। कितने भाव उनके अंदर, कहते हैं हम अपनी आंखों से उस भवसागर के उद्धारक को, उस भवतारक को, उस सत्य प्रचारक को, ताप त्रिताप निवारक को हम इन आंखों से कब दर्शन करेंगे। तड़फन की पत्र लिखा उन्होंने, हम अपनी आशा की खेती कब फूलती फलती देखेंगे। प्रभु, आप हमारी आशा को कब पूर्ण करोगे। जो मोक्ष धाम पहुंचाती है वे गाड़ी चलती देखेंगे। आपके चरण में आकर मोक्ष धाम को ले जाने वाली उस गाड़ी को हम चलती देखना चाहते हैं। कब दया दृष्टि से हे भगवान ये अपने दास निहारोगे, हमारे पवित्र घर करने को मद्रास में आप पधारोगे। कहते हैं कि अपनी दया दृष्टि से हमारे, हम जैसे दासों को आप जी कब निहारोगे, और हमारे घर को पवित्र करने के लिए हे प्रभु आप मद्रास कब पधारोगे। कब संकट हर उपदेशों से कृत कृत से करोगे कानों को, कब दोगे प्रभु कृपा मेवा हम दर्शन के दीवानों को। क्या भाव है, पढ़ते रोम रोम खड़े हो जाते हैं। इसको कहते हैं प्रेम, सच्चा प्रेम। ऐसा प्रेम तो भगवान को बिल्कुल द्रवीभूत कर देता है। वो कहते हैं कि आप अपने उपदेशों से हमारे संकट को कब हरोगे, और कब हमारे कानों को कृत कृत कर दोगे, और कब आप हमें दर्शन की, हम जैसे दीवानों को दर्शन देकर कृपा का मेवा बरसाओगे। ऐसे भाव उन्होंने मद्रास भक्तों ने मूलकेश्वर भगवान के चरणों में पत्र लिखा। आगे चौपाई में कवि लिखते हैं, श्री गुरुदेव कृपा के सागर, दया सदन धाम जागर। गुरुदेव कृपा के सागर हैं, दया से परिपूर्ण है, और तीन धामों को प्रकाश देने वाले हैं। देखे बाट आपका स्वामी दो दर्शन तुम अंतर्याम, करुणा करण योगेश्वर देवा, हम चाहे चरणों की सेवा। हे गुरुदेव निमंत्रण पाकर दो दर्शन मद्रास में आकर, दो कर जोड़ के विनती करे आपके चरणों पर शीर धरे। दो कर जोड़ के विनती करे आपके चरणों में शीर धरे। यानी कि बहुत अन्य भी नए मद्रास के भगत कर रहे हैं, प्रभु जी की को दया के सागर रूप प्रार्थना कर रहे हैं, दया सदन धाम उजारक उजारक, और प्रार्थना कर रहे हैं हे प्रभु आप अंतर्यामी हैं, हम हर पल आके
दर्शनों के लिए वाट निहार रहे हैं। आप करुणा सागर हो, योगेश्वर देवा है, और हम आपके चरणों की सेवा चाहते हैं। और आप दर्शन मरा निमंत्रण को पाकर जल्दी जल्दी मद्रास में आकर हमें दर्शन दे, दोकर जोड़ के विनती करे, आपके चरणों पर शीश धरे। मन की नैया डोल रही है, रसना जय जय बोल रही है। मन की नैया डोल रही है, हमारा मुंह आप जी का जय जय बोल रहे हैं, और हाथ जोड़कर हम विनती करते हैं, आपके चरणों में शीश नवाते हैं, आप आकर जल्दी से जल्दी दर्शन दे। यदि हम आपका दर्शन पावे, सुफल जन्म नीच कर दिखावे, यही प्रार्थनाथ हमारी स्वीकृति चाहे दास तुम्हारी। ये प्रभु हम आपके दर्शन करके अपने जन्म को सफल बनाना चाहते हैं, ये नाथ हमारी प्रार्थना है। हम आपके दास हैं, आप कृपा करके हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार करें। आगे दोहा है, भक्तों के मद्रास से आए पत्र अनेक, उन सबके मन में लगी गुरु दर्शन की टेक, दया दृष्टि करने लगे बलकराज श्रीमान, मन भीतर मद्रासा करते गुरु पर ध्यान। भक्तों के इतने पत्र पाकर और उनके अंदर गुरु दर्शन की जो तड़प लगन को देकर मुल्केश्वर भगवान को बहुत दया आई, उन पर दया दृष्टि बरसाने लगे और मन के अंदर मद्रास जाने का प्रभु जी ने संकल्प ठान लिया। इस प्रकार प्रभु जी का मद्रास यात्रा का प्रोग्राम बना, उनके अंदर संकल्प आया, और यही मैं इस सत्संग को विराम दूंगी। और कल है यात्रा की तैयारी, मद्रास यात्रा की प्रभु जी ने कैसे कैसे तैयारियां की है, और वहां भक्तों ने प्रभु जी की कैसे आरती करी, विनती करी है, वो सर्वदेव भगवान की है। आने वाले दिनों में मद्रास यात्रा की तैयारी के बारे में और मद्रास पहुंचने पर प्रभु जी ने प्रभु जी कैसे वहां पे लोगों ने आरती करी, स्तुति करी, और प्रभु जी ने मद्रास पहुंचकर कितने महान योग पर गुरु ज्ञान दिया, सभी के बारे में आने वाले दिनों में सत्संग में हम रखेंगे। और मद्रास यात्रा पूर्ण करने के बाद जैसे प्रभु जी सत्संग में जो भी कहलवाएंगे वो बोलेंगे, और इतना ही कहते हुए आज के इस सत्संग को विराम देते हैं। प्रभु जी के चरणों में बारंबार प्रणाम कि प्रभु जी ने हमें इतना सुंदर ज्ञान दिया, प्रभु जी के बारे में इतनी महिमा का गायन करवाया और इतनी महिमा प्रभु जी ने बताई, भक्तों का कैसा प्रेम के बारे में प्रभु ने वर्णन करवाया, हमने सबने सुना, बहुत ही आनंद आया। इतने में ही आज के सत्संग को समाप्त करेंगे, कल मिलते हैं। हो सगुदेव भगवान की, योग योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी मुल्केश्वर भगवान सहस्त्र देखजाल भगवान जी के चरणों में बार बार प्रणाम, बार बार नमन, बार बार श्वास श्वास रोम रोम दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हे प्रभु आपकी जय हो, जय हो, जय हो। भो सगुदेव भगवान की।